अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी गोश्त, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये डिश बहुत ही मज़े की लगती है, बिल्कुल सिंपल डिश है, बहुत इजी तरीके से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। आइए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा किलो मटन है हमारा, 250 ग्राम हमारी अरवियाँ हैं, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया का है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी प्याज की डरी काटी है हमने, 1 टेबलस्पून भर के हरा धनिया काटा है, 2 टेबलस्पून भर के दही है। देखिए अब मसाले में हम पानी डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। 60 ml हमने ऑयल लिया है, अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे अभी प्याज को। अब इसके अंदर मैं मटन ऐड कर दूंगी। और साथ में ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जो हमने इसके अंदर पानी मिलाया था, इसका पेस्ट बनाया था मसाले का, इसको ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी। दही को आप बीट कर लेना, लम्स नहीं होने चाहिए। शुरू वाले सालन में लम्स बन जाते हैं दही के, तो वो अच्छे नहीं लगते। अब मैं इसको 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करूंगी। मैं शुरबे वाले सालन की ज़्यादा भुनाई नहीं करती हूं। अगर ज़्यादा भुनाई करते हैं, एक टिप बताती हूं मैं शुरबे वाले सालन की, अगर आप ज़्यादा भुनाई करोगे ना तो इसका कलर काला हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप शुरबे वाले सालन का आप 5 से 7 मिनट तक ही भुनाई करें, ज़्यादा भुनाई नहीं करें। 5 मिनट के लिए ढक के रखूँगी, इसके बाद मैं अरवी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, इसको हमें 5 मिनट रखे हुए हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अरवी, इसके साथ मैं अरवी ऐड कर दूँगी इसमें, और इसके बाद मैं इसको सीटी लगा दूँगी इसमें पानी डालकर। देखिए इसके अंदर मैं 250 ml पानी डाल रही हूँ। चलिए अब मैं इसकी सीटी लगा दूंगी। ये सिर्फ 2 सीटियों में ही हमारी डिश रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारे सालन में 2 सीटियाँ आ गई हैं। ये अच्छे से गल चुका है हमारा गोश्त भी और अरवी भी। ये देखिए हमारी अरवी भी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में मैंने 250 ml जो पानी डाला था, इतना ही बहुत है। और इसके अंदर मैं हरा धनिया डालकर, गरम मसाला डालकर 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम पे ढक के रख दूंगी, और हमारी डिश रेडी है। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अरवी गोश्त बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा अरवी गोश्त बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही मज़े का बनेगा। जिस तरीके से मैं बताती हूँ आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे आपको मेरी डिश कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।